नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं कंचन। लोकतंत्र के महापर्व का चुनावी बिगुल बज चुका है, टिकट सीमित हैं और उम्मीदवार कई हैं। ऐसे में कई उम्मीदवारों का नाराज होना लाजमी है। आज हम जिन नेताओं की चर्चा करने जा रहे हैं उनमें से कई नेताओं के चेहरे को आप पहले से जानते पहचानते होंगे। जी हाँ, तो आइए बताते हैं उन खबरों को। लोकतंत्र के महापर्व का चुनावी बिगुल बज चुका है, टिकट सीमित हैं और उम्मीदवार कई हैं। ऐसे में कई उम्मीदवारों का नाराज होना लाजमी है। आज हम जिन नेताओं की चर्चा करने जा रहे हैं उनमें से कई नेताओं के चेहरों को आप पहले से जानते पहचानते होंगे। चुनाव की घोषणा से पहले ही नेताजी बता रहे हैं कि राजनीति में टिकट ही सत्य है, बाकी सब भ्रम है। शुरुआत रालोसपा से हुई, धीरे धीरे अन्य दलों के कई नेता इस दिव्य ज्ञान की चपेट में आकर निकल गए। पहले कीर्ति झा आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े नेता समझ गए थे कि मां समान कही जाने वाली पार्टी में टिकट की गुंजाइश नहीं है, इसलिए चुनाव से बहुत पहले ही दोनों ने नए घर की खोज शुरू कर दी थी और उन्हें नया घर मिल भी गया। वहीं रालोसपा को सबसे अधिक झटका लगा है। नेताओं को जैसे जैसे बेटिकट होने का अनुमान हुआ, एक एक कर सब खिसकने लगे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक को पार्टी छोड़ने में मिनट भर का समय भी नहीं लगा। पूर्व मंत्री नागमणि और श्री भगवान सिंह कुशवाहा टिकट की उम्मीद में ही जदयू में गए थे, लेकिन बेचारे को वहां भी निराशा ही हाथ लगी। हर एक दल का भ्रमण कर चुके नागमणि के लिए फिलहाल छलांग लगाना कठिन लग रहा है। श्री भगवान सिंह कुशवाहा के साथ भी यही परेशानी है, वह कई बार राजद जदयू का दौरा कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में होली से पहले जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामा करने वाले लोग पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार का समर्थक होने का दावा कर रहे थे। आजादी के बाद यह पहला मौका है जब निखिल कुमार के परिवार को टिकट नहीं मिला है। बस इसी बात से समर्थक नाराज हो गए और जमकर हंगामा किया। खुद को अनुशासित कहने वाली भाजपा भी इस बीमारी से अछूती नहीं है। पार्टी के दो पदाधिकारी अजय कुशवाहा और श्रीधर मंडल टिकट बंटवारे में गड़बड़ी का आरोप लगाकर पार्टी से बाहर आ गए। मंडल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी भी रह चुके हैं। टिकट की मारामारी में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी उजड़ गया है। रिशन पटेल संस्थापकों में थे, लेकिन सीट मिलने की संभावना नहीं थी, इसलिए वो भी पार्टी से अलग हो गए। मोर्चा में नेताओं की इतनी कमी हो गई कि लोकसभा की एक सीट के लिए दूसरे 10 उम्मीदवार बुलाना पड़ा। लेकिन बात करें राजद की बिहार इकाई में, तो उसमें फिलहाल शांति है, क्योंकि टिकट का बंटवारा पूरी तरह से नहीं हुआ है। सुपौल जिला के पार्टी संगठन में कांग्रेसी सांसद रंजीता रंजन को लेकर नाराजगी है, लेकिन झारखंड में तो राजद को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री अन्नपूर्णा देवी राजद से बाहर आकर भाजपा में चली गई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि चुनाव आते आते कौन नेता किस दल की तरफ अपना पाला बदलता है। आपको हमारी यह खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। धन्यवाद।